आप वापस तो चुनाव तक आ नहीं पाएंगे क्योंकि छत्र बड़ा है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि खुद को अपने आप को रेस में मिला मानते हुए, कांग्रेस प्रत्याशी मानते हुए रात दिन एक मेहनत करके और गिंगला में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मतों से है विजय बनाए, सॉरी बीजेपी को हराए, कांग्रेस को विजय बनाए। आपको पता है कि 62,000 हमें 90,000 का टारगेट रखना है। उपचुनावों के बीच अब नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। जिस तरह से उपचुनाव है और दमखम के साथ बीजेपी और कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें नेताओं की खूब लोग भी कई सारे फप्तियां कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलूम्बर सीट जहाँ पर भी उपचुनाव है और कांग्रेस ने रेशमा मीणा को टिकट दिया है। रेशमा मीणा जो पहले कांग्रेस से बगावत कर चुकी थी उसको टिकट दिया है। उसके बाद वहाँ पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन अब एक जनसंपर्क के दौरान का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कांग्रेस नेता जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो रेशमा मीणा है उसको अधिक से अधिक मतों से हराना है। इस कारण उनका जो वीडियो था वह चर्चा में बन गया, लेकिन बाद में उन्होंने बात को भी संभाला और फिर से कहा कि अधिक से अधिक वोटों से जिताना है। आपको बता दें कि कांग्रेस का जनसंपर्क का कार्यक्रम था सलूम्बर क्षेत्र है वहाँ के गिंगला गाँव में, और उस दौरान वहाँ के जो प्रत्याशी हैं और जिला अध्यक्ष हैं और जो लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा वह भी वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े जो लोग थे वह वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान अपने अपने कामों का बखान कर रहे थे और उस दौरान जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा जो पहले उदयपुर कलेक्टर हुआ करते थे IAS है और IAS के पद को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनका भाषण चल रहा था और भाषण के दौरान उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से जो लोग हैं हम कम दिन का समय बचा है और नहीं आ पाएंगे, इस कारण जो रेशमा मीणा है उन्हें अधिक से अधिक मतों से हराए, और बाद में वापस लोगों से सॉरी मांगते हुए बोले कि अधिक से अधिक वोटों से जिताए। लेकिन उनका जो वीडियो था वह अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो लोग थे वह भी अब तरह तरह की फप्तियां कसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ कैंडिडेट और कांग्रेस का जो नेता है वह इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। इसको लेकर जो सलूम्बर क्षेत्र है उस पर भी चर्चा बनी हुई है कि एक कांग्रेस नेता जिनका भाषण इस तरह से कि क्षेत्र में चर्चा बन जाए। आपको बता दें कि सलूम्बर वह सीट जहां पर दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा जिनके निधन के बाद अब वहां पर चुनाव है और वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने उनकी जो पत्नी है शांता देवी उनको मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने जो बागी रही थी रेशमा मीणा उसको मौका दिया है। तो भारत आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा को मैदान में उतारा है क्योंकि वहाँ पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं कांग्रेस में भी बगावत के तेवर हैं, जो विरोध है वह जमकर देखने को मिल रहा है। जो रघुवीर मीणा है उनका विरोध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें आलाकमान जो बड़े नेता है वह अभी भी बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। जिस तरह से रघुवीर मीणा का टिकट काटा गया उसके बाद जो उनके समर्थक थे जो कार्यकर्ता थे वह भी नाराज दिखाई दिए, यहाँ तक कि रघुवीर मीणा वह भी पहली बार खुलकर विरोध में उतरे थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जिसने कांग्रेस को हराने का काम किया पार्टी ने उसको मौका दिया और वह नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। अब एक नेता जिनका कांग्रेस के ही नेता जिनका इस तरह का वीडियो वायरल होता है कि जो कांग्रेस की कैंडिडेट है रेशमा मीणा उसको अधिक से अधिक वोटों से हराना है, उसको लेकर अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भी कई सारी कमेंट्स है, कई सारी बातें और कई सारे रिएक्शन इस पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।